Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीश सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 9, 10, 11 और 12, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए मॉडल एक ज्वेलरी। हम लोग बहुत दिन बाद मॉडल एक ज्वेलरी स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, जैसे कि हम लोग मे तक इंड कर चुके थे। अब आएगा माइट। माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं ये जानेंगे हम, माइट का प्रयोग। तो इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को, जो भी दोस्त यार संगतियाँ जो भी हो, मतलब 9, 10 या उससे नीचे क्लास वाले भाई बंधु जो भी हो, उनको भी ये शेयर करते रहिएगा, क्योंकि यह जो मॉडल एक्चुअली है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड के एग्जाम के लिए और अदर कंपटीशन में भी इसका प्रयोग पूछा जाता है कि माइट का प्रयोग कहाँ तक, व्हील का प्रयोग, साइड का प्रयोग, सेल का प्रयोग, ये सब एक पूछा जाता है एक लाइन बाय लाइन करके कि इसका इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग इसका करते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि अनोखा वीडियो अद्भुत ऐसा है हम लोग आप लोगों को बताते चलेंगे। अगर हमारे पास चैनल पर पहली बार हैं तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा आप लोगों के लिए, अदर अन्य दोस्तों के लिए और सबके लिए यह बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं गंवाएंगे, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक क्या है हम लोग को, माइट का प्रयोग। अब एक चीज़ जानते हैं हम लोग, इसके पिछले वाले वीडियो में मे पढ़ चुके हैं, तो मे का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। तो क्या होता है इसका प्रयोग, पहले ये जान लें इसका प्रयोग पास्ट टेंस के लिए होता है, या मे होता है, मे होता है, और रेयर केस में बहुत, मतलब कभी कभी इसका प्रयोग क्या होता है, रेयर केस में इसका प्रयोग प्रेजेंट तथा फ्यूचर में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। बहुत रेयर केस में भी इसका प्रयोग फ्यूचर में भी होता है। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि ये किसका पास्ट टेंस है, यह मतलब कौन क्या माइट किसका, मे का पास्ट टेंस है। अब ये मे का पास्ट टेंस है माइट, हम लोग इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये भी तो हम लोग को जानना जरूरी है कि नहीं, है ना। तो बता दे रहे इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग तीन जगह करते हैं, लिख देंगे इसका प्रयोग हम तीन रूपों में करते हैं, अब तीन रूप क्या है लाइन बाय लाइन करके बताते चलेंगे। पहला रूप है रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब क्या हो जाएगा, मे लेसर देन मे ये भी लिख दे रहे हैं, लेसर देन मे मतलब मे से बहुत कम, बहुत कम, मतलब ये भी क्या होता है पॉसिबल संभावना के लिए होता है, लेकिन एकदम कम संभावना के लिए, क्या होता है कम संभावना के लिए। इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग किस लिए होता है, कम संभावना व्यतीत करने के लिए या व्यक्त करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला आता है इसमें दूसरा होता है परमिशन होता है, तीसरा फिर से आता है पॉसिबल, दूसरा परमिशन, तीसरा क्या होता है फिर से पॉसिबल। परमिशन मतलब क्या होता है, लेसर देन मे, वो भी क्या होता है मे से बहुत ही कम होता है। और उसके बाद आता है जो हम लोगों को पॉसिबल, तो वो पॉसिबल मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए, लेसर देन मे नहीं होता लेकिन संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं पहले रिमोट पॉसिबल लेसर देन मे का प्रयोग हम लोग। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसका एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कम संभावना व्यक्त के व्यतीत कर, मतलब इसका एग्जांपल हम लोग देखते चल रहे हैं कि कम संभावना कहाँ कहाँ व्यतीत करने के लिए। जैसे होता है कि नहीं कहते हैं कि यह न्यूज, कुछ ऐसे न्यूज आते हैं, अभी कुछ समय पहले आया था कि यूट्यूब पर कि अमिताभ बच्चन की डेथ हो गई यूट्यूब पर, तो लोग कहते हैं यूट्यूब का जो न्यूज़ होता है बहुत ही कम सत्य होता है, संभावना व्यक्त किया था, थोड़ा थोड़ा सत्य होता है, ज़्यादा नहीं, एकदम बहुत ही कम। तो वैसे ही इसमें भी हो जाएगा कि इट माइट रैन टूडे
ड्रेन डिच, मतलब बहुत ही कम चांसेस है वर्षा होने की, बहुत ही कम चांसेस है। कहीं बादल थोड़ा सा लग गया हो तो उसको चांस लेके कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला है कहीं ना कहीं, तो उसको बहुत ही चांस लेके बहुत ही रेयर केस में कि उसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं फरवरी महीने में बारिश नहीं होता है, फरवरी महीने में अगर बादल लग जाए तो उसमें बहुत ही कम चांसेस हैं कि कह सकते हैं कि बारिश हो सकता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं कुछ न्यूज, अभी बताएं ये यूट्यूब पे जो न्यूज आता है तो उसको मान लीजिए कोई न्यूज आ गया तो दिस न्यूज माइट बी ट्रूथ, मतलब दिस न्यूज माइट बी ट्रूथ, मतलब यह जो खबर है बहुत ही कम सत्य हो सकती है, पूरा कंफर्म नहीं है। जैसे अभी बताए ना कि हम लोग यूट्यूब पे जो न्यूज़ आता है वो बहुत ही रेयर केस में सही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो वही इसमें भी यह न्यूज़ बहुत ही रेयर केस में ही क्या होता है, सही होता है। एक चीज़ और, न्यूज़ का फुल नेम आप लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं को हम लोग मिला के न्यूज़ बताते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में बता दे रहे हैं आप लोगों को क्योंकि इसमें न्यूज आ गया इसलिए हम बता दे रहे हैं। ये हम लोग कहोगे बहुत रेयर केस में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो रिमोट पॉसिबिलिटी का ये प्रयोग हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरे पे चलते हैं, तीसरा, तीनों इसी में बता देंगे आप लोगों को, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। परमिशन मतलब ये भी लेसर देन में मतलब मे के कम, बहुत ही मे से कम, मतलब कम समय के लिए परमिशन मांगने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे किसी समय मान लीजिए कोई डॉक्टर हुआ तो डॉक्टर साहब से कुछ समय बात करना है, परमिशन लिया जाता है कि नहीं, उनसे डॉक्टर साहब से कुछ समय बात करना है, परमिशन लेने की बात आ गई, तो वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग आराम से कर सकते हैं। या हमारा कैप्टन कह सकता है कि हम लोग शायद जीत सकते हैं, या कोई अध्यापक कह दे कि एकदम जो नलायक लड़का पढ़ने में हो या जो बहुत ही बेकार हो तो उसको कह सकता है अध्यापक कि पास हो सकता है, पास हो सकता था या हो सकता है, ऐसे भी आए तो बहुत ही कम संभावना व्यक्त किया जा रहा है उसमें कि ये पास होगा, ऐसा नहीं कि पास हो जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, पास हो सकता है, हम लोग जीत सकते थे, ऐसी कंडीशन आ जाएगी तब वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। मतलब जिस पे थोड़ा भी भरोसा ना किया जाए, थोड़ा सा भरोसा एकदम किया जाए कि वो ऐसा कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग माइटली का प्रयोग करते हैं या माइट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसका अनुमति लेने के लिए भी प्रयोग होता है, तो बता दे रहे हैं। तो माइट I want to talk a few minutes. I want to talk a few minutes. मतलब मैं आपसे कुछ समय बातें करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे कुछ समय के लिए यहाँ पे माइटली का हम लोग प्रयोग कर दिए हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो पहला हुआ। दूसरा एग्जांपल साथ ही साथ में हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे कोई कह दिया कि आवर कैप्टन सैड डेट, मतलब बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे कैप्टन रहते हैं, तो आवर कैप्टन सैड डेट, मतलब हम लोग एकदम टोली कम हो, 10 लोग हों, अदर विपक्षी पार्टी जो हम लोग के विरुद्ध होते हैं, रेबल विरोधी या इनेमी हम लोग को दुश्मन, वो जो होते हैं मान लीजिए वो 25-30 हों या 40-50 हों, हम लोग 10 ही हो तो हम लोग शायद संभावना व्यक्त कर सकते हैं। वो 100 हों हम लोग 10 हों तो कह सकते हैं कि जीत जाएंगे। हौसला बुलंद रखने के लिए कहते हैं ना हम लोग जीत सकते हैं। तो वही आवर कैप्टन सैड डेट कि We might win, हम लोग जीत सकते हैं, तो वहाँ पे इसका माइट का प्रयोग किया जाता है, मतलब कम संभावना व्यक्त किया जाए। यहाँ पे कम संभावना मतलब कुछ समय के लिए बातें करना, तो वो कुछ समय के लिए आएंगे तभी तो बातें करना, तो कम संभावना है कि वो कुछ समय के लिए आएंगे, तो वही यहाँ पे माइट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ चुका, तो चलिए आगे भी हम लोग बता दे रहे हैं। तीसरा जो इसका प्रयोग होता है, तीसरा होता है पॉसिबिलिटी, मतलब इसमें संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है,
संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसे कुछ कारण संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कि पॉसिबिलिटी का प्रयोग हम लोग वहीं पे करते हैं। तो चलिए इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल हम लोग इसके साथ लेके चलते रहते हैं। तो एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, पहला एग्जांपल इसका हम लोग जान देंगे कि राम बीमार होगा। अब किस लिए होगा, कि he might fail in the exam। मतलब क्या हो जाएगा, राम एग्जाम में फेल होने के कारण क्या हो सकता है, बीमार पड़ सकता है। तो he mightly fail the exam, मतलब क्या हो जाएगा, राम एग्जाम में फेल होने के कारण वो बीमार पड़ सकता है, ऐसा इसका हम लोग कह सकते हैं। दूसरा भी ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तब हम लोग उसको और डीपली बताएंगे कि इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है। फिर एक बार बता दें, पॉसिबिलिटी मतलब क्या है, संभावना व्यक्त करने के लिए। लोग कहते नहीं है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो कोई बीमार हो गया, तो लोग कहते। चलिए आते हैं विल के प्रयोग में, ये हम लोग का पांचवा है। विल का प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो विल का प्रयोग हम लोग जानते हैं फ्यूचर टेंस में किया जाता है, तो या विल का प्रयोग फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतना तो हम लोग जान गए। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये इसके चार जगह प्रयोग हो जाता है, चारों जगह लाइन बाई लाइन बताएंगे। आप लोग एक बैग मत परेशान होइएगा, ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि विल का प्रयोग आप लोग इतना जानते नहीं होंगे, उतना हम लोग बता दिया जाएगा। पहला देखिए, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है, आई और वी के लिए। आप आई और वी के साथ वी का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें आई और वी के साथ कहाँ का करते हैं, पहला डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एक एक करके एग्जांपल बता देंगे आप लोगों को। दूसरा क्या होता है, थ्रेड मीन्स क्या होता है, धमकी, कहीं धमकी देना होता है वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। अगला दे नेसेसिटी मीन्स क्या होता है, अनिवार्यता, मतलब हम निश्चय यहाँ पर जाएंगे ऐसे करने के लिए। अगला दे प्रॉमिस, वादा के लिए। एंड प्रेडिकेटेड मतलब क्या, भविष्यवाणी के लिए, भविष्यवाणी पहले करने लगते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल साथ में हम लोग देखते चल रहे हैं, सबका एग्जांपल लाइन बाय लाइन बताएंगे एक एक कर का, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। तो पहला क्या दिया, डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन के लिए क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प यू डिटर्मिनेशन मतलब मैं आपकी सहायता करूंगा। तो यहाँ पे ये जो आई विल का प्रयोग यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग प्रयोग किए हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा, बस इसे में दृढ़ निश्चय है कि मैं आपकी सहायता करूंगा। तो दृढ़ निश्चय के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझ में आ चुका ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला क्या है, थ्रेड धमकी। तो कहते नहीं, आई विल शूट योर इनेमी मतलब मैं आपके दुश्मन को मार दूंगा। तो धमकी देने के लिए यहाँ पे विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, थ्रेड मतलब धमकी देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा आप लोग देख लिए कि थर्ड धमकी देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या दिया यहाँ पे, नेसेसिटी मतलब क्या हो जाएगा, आई विल सी द ताजमहल यहाँ पे नेसेसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप लोग इसका देख लिए, मैं ताजमहल देखूंगा इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। चौथा आता है, चौथा देख लिए क्या दिया है, चौथा यहाँ पे वादा के लिए दिया है, वादा। तो नहीं से जिससे कि हम लोग नहीं कहते नहीं कि हम इतने दिन में वापस आ जाएंगे, ये मेरा वादा है, तो उसमें कह देंगे आई विल कम एज सुन एज मैं जल्द ही वापस आऊँगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉमिस ये वादा के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर दिए हैं। तो अगला जो दिया यहाँ पे पांचवा, वहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रेडिकेटेड मतलब भविष्यवाणी। अगर मान लीजिए ट्रेन छूटने वाली या घर पे रहते हैं तो कहते नहीं ट्रेन छूट जाएगी, हमें जाने जाने देने तो देर हो जाएंगे, तो कहते हैं आई विल बी लेट हमें लेट होगा। तो इसमें क्या होता है, प्रेडिकेटेड
यहाँ पे प्रेडिकेटेड के लिए, भविष्यवाणी के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आप लोग यहाँ पे पांचों का पांचों हम लोग बता दें, पांचों पांचों आप लोग देख लिए कि नहीं, कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके उसके बाद रख सकते हैं और लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और लाइक करते रहिएगा। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रयोग इसका कहाँ होता है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। दूसरा प्रयोग इसका, जो दूसरा प्रयोग इसका होता है वो किस में होता है, सेकेंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में। तो हम लोग पहला तो फर्स्ट पर्सन पढ़ लिए, तो दूसरा सेकेंड और जो थर्ड पर्सन दिया है उसमें इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, एकदम अच्छे से प्रयोग इसका देखते हैं। सेकेंड पर्सन में हम लोग जानते हैं, कहीं भी हम लोग सेकेंड पर्सन मतलब क्या होता है, यू ये आ जाए या थर्ड पर्सन के जितने भी आ जाए उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा देख लीजिए, सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है। अब जैसे थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये जितने भी आते हैं ना उसमें ये हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अब फर्स्ट पर्सन में आप लोग जान गए ना कहाँ कहाँ होता है, रेयर केस में ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। जो सेकेंड और थर्ड पर्सन में कहीं भी कर सकते हैं, जैसे इसका कर सकते हैं दे विल कम टुमारो, कम दे विल कम टुमारो, वो कल आएंगे, आएंगे आएंगे, याद रखिएगा कल आएंगे, आज नहीं। इसमें दे के साथ विल का प्रयोग कर दें, पहला हो गया। दूसरा चलिए देख लीजिए क्या हो जाएगा, यू विल प्ले द मैच, प्ले द मैच, यहाँ पे इसके साथ ये क्या है, थर्ड पर्सन का और ये सेकेंड पर्सन का है, दोनों के साथ हम लोग विल का प्रयोग देख लिए। ऐसे ही आप लोग जितना भी थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन का रहेगा उनमें आराम से विल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बस फर्स्ट पर्सन में कहाँ देखना था ये हम लोग देख लिए पांच जगह, पहला डिटर्मिनेशन, दूसरा थ्रेट, तीसरा नेसेसिटी, प्रॉमिस और क्या था प्रेडिकेटेड, पांच जगह इसका प्रयोग किया जाता है। आगे दो हर दो अगले वीडियो में हम लोग बता देंगे आप लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को एंड प्रेस द पर बेल आइकन और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। We'll be right back.